वचन पे, हम जब अपने वचन पे स्टैंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर निकास निकालेगा, रास्ता निकालेगा, रास्ता बनाएगा। यदि आप वचन में खड़े नहीं है तो आपके लिए रास्ता नहीं बनती है। परमेश्वर के वचन में लिखा, जब तुम्हारे जीवन में परीक्षा आएगी, तुम्हारे जीवन में मुश्किल आएगी, यदि तुम वचन में स्टैंड रहोगे, वचन में खड़े रहोगे, खुदा के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए राह तैयार करूंगा। दूसरी कोरिन्थी का किताब उसकी 10:13 में लिखा, जैसे भी परीक्षा तुम्हारे जीवन में आएगी, ये परीक्षा तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा जीवन को इतना हानि उठाए, लेकिन तुम सहन सकोगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे लिए निकास निकालेगा। आमेन। भाई बहन, आज मैं एक बात बताना चाहता हूं आप सबको, सुनिए, जब आपकी मसीह जिंदगी में आप वचन पर स्टैंड रहोगे, तभी आपके लिए राह खुलेगी, तभी आपके लिए मार्ग खुलेगा। मत सोचो कि मैं ईसाई बन गया, मैं चर्च में जाता हूं, कितने साल की ईसाई हो, कितने साल चर्च में जा रहे हो, ये मायने तो नहीं रखता है। लेकिन जिस दिन आपने परमेश्वर के वचन को आदर करके इसमें स्टैंड रहोगे, तब आपके लिए मार्ग खुलेगा, तब आपके लिए राह खुलेगी, तब आपके लिए निकास निकलेगा। आप सोचिए, आप जब तक वचन में, यहाँ पर दानियल ने नहीं सोचा कि मैं यदि राजा को कैसे बनूं, मैं तो दुल्हनी अवस्था में हूं, मैं कैसे उसको जाहिर करूं ये बातें, मैं ये नहीं खाता हूं बोल के। वहां पर यदि मैं, उसने नहीं सोचा, यदि मैं ऐसा करूंगा, ऐसे बोलूंगा तो राजा मेरे को मार देगा, मेरे को खत्म कर देगा, ऐसा नहीं सोचा। लेकिन जो बातें मेरे विश्वास को आंच आती है, मेरे विश्वास को खराब करती है, अपवित्र करती है, मैं नहीं करूंगा, उसने सोचा और अपने वचन पे खड़े रहा और विनम्रता के साथ में, नम्रता के साथ में रिक्वेस्ट किया, और परमेश्वर ने खोजे के मन में दानियल के प्रति दया दिखा दिया। हालेलुया।